IPL 2023 का पहला मैच मार्च 31 में होने जा रहा है। पहले मैच चेन्नई सुपर किंग वर्सेस गुजरात टाइटल्स के बीच में खेला जाएगा। IPL का पहला मैच में MS धोनी और हार्दिक पांड्या ये दोनों सामना करेंगे। IPL का इतिहास में सबसे ज्यादा प्लेयर्स अप में गया हुआ और टूर्नामेंट में चार बार चैंपियन हुआ चेन्नई सुपर किंग के लिए 2022 साल IPL बहुत खराब था। टूर्नामेंट शुरू से CSK टीम मैनेजमेंट पहला बार धोनी को कैप्टन पद से हटाकर रविंद्र जडेजा को कैप्टन पद दिए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा लगातार विफल होने से फिर कुछ मैच बाद धोनी को कैप्टन पद दिए, जो कि दर्शक को ये सब पसंद नहीं आया। लेकिन ये साल IPL शुरू से ये सब समस्या का हाल CSK मैनेजमेंट निकाल चुकी है। MS धोनी यह साल में CSK की कैप्टन रहेंगे। 2022 का खराब प्रदर्शन के बाद ये साल IPL के पहला हुआ मिनी नीलामी CSK बड़ा बड़ा खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल किया। ये खिलाड़ी बीच में से इंग्लैंड के खिलाड़ी ग्वेन स्ट्रोक के नाम नंबर 1 पर है। वास्तविक CSK टीम नीलम में 16 करोड़ 25 लाख में ग्वेन स्ट्रोक को खरीद के टीम को पहले हिसाब से और मजबूत किया। पहले CSK टीम में रविंद्र जडेजा और मोहन अली को विश्व स्तरीय ऑलराउंडर थे। अभी ग्वेन स्ट्रोक आने से टीम बहुत शक्तिशाली हो गया है। अभी आइए देखेंगे IPL 2023 चेन्नई सुपर किंग का प्लेइंग 11। ओपनिंग जोड़ी में देवोन कॉनवे ऋतुराज गायकवाड़ फील्ड में उतरेंगे। नंबर 3 पर मोइन अली खेलेंगे। नंबर 4 पर अंबाती रायुडू बैटिंग करके दल का मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। बेन स्ट्रोक नंबर 5 पर खेलेंगे। इसके बाद हमारा रियल हीरो MS धोनी नंबर 6 पर, रविंद्र जडेजा नंबर 7 पर आएंगे। लॉयर ऑर्डर पे शिवम दुबे नंबर 8 पे आएंगे। नंबर 9 पे दीपक चाहर आएंगे। 10 पर श्रीलंका के स्पिनर महेश तीक्ष्णा आके विकेट गिराएंगे। नंबर 11 पर राजवारोहन हंगारगेकर आएंगे। आप चेन्नई सुपर किंग को सपोर्ट करते तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।